खबर यह है कि सांसदों और विधायकों से सीएम योगी ने अपील की है। सीएम योगी ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है, विधायक सांसद अपने क्षेत्र में एक सीएचसी पीएचसी को गोद लें, एमएलए एमएलसी अपनी विधायक निधि से सीएचसी पीएचसी का अपग्रेडेशन करें, सभी जनप्रतिनिधि सीएचसी पीएचसी का लगातार निरीक्षण करें। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो लगातार खुद ग्राउंड जीरो पर उतरे हुए हैं और लगातार जगह जगह जाकर जिले जाकर तमाम व्यवस्थाओं को जांच पर रख रहे हैं, उन्होंने अब तमाम जनप्रतिनिधियों से, सांसदों, विधायकों से, एमएलसी से ये अपील की है कि वो अपने अपने क्षेत्र के एक एक सीएचसी पीएचसी को गोद ले लें और वहां पर तमाम हालातों का ध्यान रखें। अनुभव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनुभव, एक तरफ सीएम योगी हैं जो लगातार जमीन पर उतरकर तमाम व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं और अब एक और अपील उन्होंने सांसदों और जनप्रतिनिधियों से की है, क्या कुछ इसका फर्क पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने आज जो बैठक की है उसमें सबसे महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। ये कहा है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी कम से कम अब निकलें और जो उनके, हम कहें तो विधानसभा क्षेत्रों में सीएससी पीएससी आती है वहां पर वो जाएं और विधायक सांसद ही सीएससी पीएससी को गोद लें और साथ ही साथ जो एमएलसी और एमएलए हैं वो भी अपनी विधायक निधि से सीएससी पीएससी का उच्चीकरण करें, यानी उसको मॉडर्न बनाने की दिशा में काम किया जाए और लगातार चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो, उन सभी जगहों का निरीक्षण किया जाए। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं इस वक्त प्रदेश में, उन सभी से एक रिक्वेस्ट किया है मुख्यमंत्री ने, कहा है कि अगर ये लोग भी जाएंगे सीएससी पर पीएससी पर तो उसका बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि तमाम ऐसे सीएससी पीएससी हैं जो बनकर तैयार हैं लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है और इस कोरोना काल में तो एक एक बेड जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, एक एक डॉक्टर, एक एक अस्पताल वो महत्वपूर्ण है और ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रदेश में सीएससी पीएससी ऐसे पड़े हैं जहां पर डॉक्टर नहीं है, जहां पर इलाज नहीं हो रहा, कोई दवाई नहीं मिल रही। इसीलिए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है एमएलसी हो एमएलए हो वो जाएं और वो खुद गोद लें, सांसद भी गोद लें और खुद उनका उच्चीकरण करें, उनको मॉडर्न बनाए जिससे इसका फायदा प्रदेश की जनता को मिल सके। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनुभव। तो देखिए, कोशिश लगातार की जा रही है कि प्रदेश की जनता को किसी प्रकार से दिक्कत ना हो और खुद मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित कर रहे हैं और इसीलिए अपील उन्होंने सांसदों, विधायकों, एमएलसी से की है कि वो अपने क्षेत्र के एक सीएचसी और पीएचसी को गोद ले लें ताकि वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा वो खुद लेते रहे। और बाराबंकी जिले में टीकाकरण टीम को देखते ही लगभग आधा दर्जन लोग नदी में कूद गए। मौके पर एसडीएम के समझाने के बाद वो माने, जिसके बाद भी महज 14 ने वैक्सीन लगवाई। जी हां, मामला हैरान कर देने वाला जरूर है। जानकारी के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग की टीम शनिवार को गांव में टीका लगाने पहुंची तो कुछ लोगों ने ही टीकाकरण करवाया, कुछ लोग इससे बचने के लिए नदी किनारे जाकर बैठ गए। मामला रामनगर के सिसौंडा गांव का है। ये सब देख सभी हैरान रह गए। मामले की जानकारी होने पर मौके पर एसडीएम राजीव कुमार शुक्ला सिसौंडा गांव पहुंचे। लोगों को समझाने के लिए नोडल अधिकारी सौरभ त्रिपाठी और स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ नदी किनारे पहुंचे। काफी मान मनोबल के बाद लोग नदी से बाहर आए और टीका लगवाया। कोरोना से लड़ाई के लिए सरकार की तरफ से वैक्सीन लगवाने के लिए सरकार हर जिले में अभियान चला रही है, लेकिन प्रतापगढ़ के गांव के लोग कोरोना की वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रतापगढ़ के करमाही गांव में एक शख्स की मौत के बाद लोगों में अफवाह फैल गई, जिसके बाद लोगों ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया। हालांकि गाँव के ही कुछ पढ़े लिखे लोगों के समझाने के बाद अब लोग वैक्सीनेशन के लिए तैयार हो रहे हैं। हरदोई के संडीला में बंद पड़ा निजी ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद फिर से चालू हो गया है। क्षेत्रीय भाजपा सांसद अशोक रावत, क्षेत्रीय भाजपा विधायक राजकुमार अग्रवाल की पहल और प्रशासनिक अधिकारियों के सहयोग से प्लांट काफी समय बाद चालू हो गया है। यहां से हरदोई और सीतापुर को भी ऑक्सीजन मिलने लगी है, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। जो
संडीला इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे हम लोगों के यहाँ पे एक प्राइवेट अतुल मेहरोत्रा इंडस्ट्रीज करके एक रिफिलिंग प्लांट है जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन के द्वारा सिलेंडर्स को रिफिल करते हैं। तो वो काफ़ी टाइम से उसको सप्लाई नहीं मिल पा रही थी, उसमें काफ़ी प्रयास किए गए, हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी वहाँ पे काफ़ी प्रयास करके सहयोग से ये हुआ है कि अब वहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्राप्त होने लग गई है। उस प्लांट की क्षमता 20 मेट्रिक टन है, 20 मेट्रिक टन के हिसाब से लगभग 2000 से ऊपर के कम से कम सिलेंडर्स वो प्रत्येक दिन भर सकते हैं। बागपत के बड़ौत में आज मेडिसिटी अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत हो गई। 50 लाख रुपयों के खर्च से बनाए गए इस प्लांट का उद्घाटन बागपत के सांसद सत्यपाल सिंह ने किया। इस प्लांट से करीब 7000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, जिसके बाद जिले में ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं रह जाएगी। गांव के प्रधानों को और अपने पार्टी के काफी कार्यकर्ताओं को हम लोगों ने आज ऑक्सीमीटर और डिजिटल थर्मामीटर बांटे हैं। जो बड़े गांव हैं वहाँ चार चार थर्मामीटर और चार चार ऑक्सीमीटर दिए हैं और सबको जो है दो दो तो सभी को दिए हैं। सब लोगों से ये विनती भी की है भाई, गांव में कोई भी आदमी अगर किसी को बुखार होता है तो इनका प्रयोग किया जाए, उपयोग किया जाए और जा करके गाँव, हर एक गाँव वाला प्रधान, गाँव प्रधान अपने अपने गाँव में जा करके ढिंडोरा पिटवा करके ढुंडई बजा करके बताए भाई मेरे पास ये ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर हैं, जिस किसी को भी जरूरत है उसको दिए जाएं। राजधानी लखनऊ में आज जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश जिले में राशन वितरण का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। डीएम अभिषेक प्रकाश कैंट और हैवलॉक रोड की सरकारी राशन की दुकानों पर पहुंचे और वहां लोगों को मुफ्त राशन बांटने का मुआयना किया और इस बात की तस्दीक की कि गरीबों को पूरा राशन दिया जा रहा है या नहीं। इस दौरान डीएम अभिषेक प्रकाश ने खुद राशन की दुकानों में जाकर बांटे गए राशन की दोबारा से तौल करवाई और राशन लेकर घर जा चुके लोगों से भी फोन पर बात करके जाँच पड़ताल की। क्या क्या मिला है? कोरोना की कड़ी को तोड़ने के लिए लगातार सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील की जा रही है, लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और महामारी को मानो न्योता दे रहे हैं। ऐसा ही कुछ रामपुर में हुआ, जहां निकाह के मौके पर मनाही के बावजूद मेहमानों की भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना मिलने पर जब तहसीलदार मौके पर पहुंचे तो देखा कि बारात घर में सैकड़ों लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए एक ही जगह पर जमा है, जिसके बाद आयोजन करने वाले पर प्रशासन की तरफ से 5000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। रात मुझे सूचना प्राप्त हुई कि एमआर पैलेस में कोई शादी का प्रोग्राम चल रहा है और उसमें काफ़ी मात्रा में लोग हैं, मौजूद हैं वहाँ, जो कि नियमों का उल्लंघन है। मैं अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा और उनके ऊपर 5000 रुपए का जुर्माना आरोप किया। इधर गोंडा में कोरोना काल के बीच हुआ ऑर्केस्ट्रा पार्टी का आयोजन, मांगलिक कार्यक्रमों में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाए, सैकड़ों लोगों के सामने जमकर हुआ अश्लील डांस, डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मांगलिक आयोजन में लगे ठुमके, नवाबगंज थाना क्षेत्र के तेलीपुरवा गांव में ये आयोजन हुआ था, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी जमकर यहाँ पर धज्जियाँ उड़ाई गई, यानी कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रख दिया। वहीं मथुरा में वृंदावन के टीएफसी पर कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, राशन की किट लेने के लिए भारी भीड़ जमा हो रही है और प्रशासन ने कोई व्यवस्था वहां पर नहीं की है। गरीब और जरूरतमंदों को राशन के पैकेट नहीं मिल पा रहे। राशन लेने आए गरीब असहाय लोगों ने अपने चहेतों को राशन पैकेट बांटने के लिए भी आरोप लगाए। समाज सेवी संस्थाओं द्वारा गरीब असहाय लोगों को वितरित की जा रही राशन की किट, कल डीएम ने गरीब असहाय लोगों को फ्री में खाद्य सामग्री वितरण का शुभारंभ किया। और अब बात फतेहपुर की। फतेहपुर में पिछले एक महीने में लगभग 37 लोगों की मौत हुई है। ग्रामीणों की माने तो मौत का कारण साधारण सी सर्दी, जुखाम, डायबिटीज और अन्य कारण बताया जा रहा है। हालांकि हो सकता है सरकारी आंकड़ों में इनकी मौत का कारण कोरोना महामारी ना हो, लेकिन कब्रिस्तान की गवाही इस बात को पुख्ता करती है कि इतनी मौतों की वजह कहीं ना कहीं कोरोना जैसी महामारी ही है। जांच के अभाव के चलते किसी रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भले ही ना हुई हो, जिससे कोरोना से हुई मौत में इसका डेटा नदारद।
सर्वे किया है। अच्छा, वो बयान देने के बाद? हाँ हाँ, बयान देने के बाद मैंने सर्वे किया। अच्छा, तभी यहाँ का पूरे गांव का? पूरे गांव का किया। आपने अकेले किया या आपके साथ कोई सरकारी कर्मचारी? नहीं, नहीं नहीं, मैं था, मेरा परिवार के लोग थे या मेरे दूसरे मोहल्ले के जो लोग थे, मैंने उनसे फ़ोन करके। किस उम्र के लोग थे ज़्यादातर जिनकी मौतें हुई हैं, कुछ अंदाज़ा आप बता सकते हैं? इसमें ज़्यादातर उम्र दराज लोग थे, कोई 80, कोई 90, कोई 85, कोई 70, 75, 60, ज़्यादातर लोग ज़्यादा उम्र के। देश में कोरोना काल के दौरान जहां अनेकों मौतों का मामला सामने आ रहा है, तो वहीं शामली जनपद में एक गांव ऐसा भी है जिसमें करीब पर डे एक मौत निश्चित है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 2 महीनों में 60 से ज्यादा मौत हो चुकी है, जिसमें अधिकतर 20 साल से लेकर 60 साल तक के व्यक्ति हैं। गांव में ग्राम प्रधान और अधिकारियों ने सैनिटाइज भी कराया, लेकिन बीमारी और मौत का आंकड़ा नहीं थम रहा। वहीं गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। ग्रामीणों ने अपने परिवार के परिजनों को लेकर दहशत का माहौल है, जबकि कुछ लोगों के घर पर तो आर्थिक संकट तक मंडराने लगा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2 बार तो एक एक दिन में 5-5 मौतें भी गांव में हो रही हैं। ये पहला ऐसा नजारा है कि गांव में लगातार इतनी मौतें हुई हैं। गांव में रहने वाले किसी न किसी परिवार में 2-2 की मौत हो चुकी है और किसी एक ही की मौत हुई। कोरोना संकट की वजह से प्रदेश के कई जिलों में जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर रिहा कर दिया गया है। महाराजगंज की जिला जेल में भी कोरोना संक्रमण को देखते हुए 76 कैदियों को 60 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया है, लेकिन जेल में बंद 2 कैदियों ने रिहाई मिलने के बाद भी जेल से बाहर जाने से इनकार कर दिया है। दोनों कैदियों ने जेलर से ये कहते हुए उनकी रिहाई रोकने की मांग की है कि बाहर लॉकडाउन की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिलेगा जिससे उनके सामने भूखा रहने की नौबत आ सकती है। इन दोनों कैदियों का नाम कमलेश और धस्पति हैं। दोनों ही कैदी दहेज हत्या के मामले में 7 साल की सजा काट रहे हैं। हो सकता है कि बाहर स्थिति बड़ी भयावह है और आए दिन इन लोगों के बैरकों में टेलीविज़न लगा हुआ है, बाहर के न्यूज़ से ये अपडेट होते हैं और बाहर की स्थिति देख रहे हैं कि भाई कोरोना से काफ़ी लोग परेशान हैं बाहर और यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हूँ। वहीं पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्रा की बेटी की मौत मामले में सपा का प्रतिनिधि मंडल पंडित जी से मिला और मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। आपको बता दें कि पद्म विभूषण छन्नूलाल मिश्रा की बड़ी बेटी की मौत कोरोना से निजी चिकित्सालय में हुई थी। मौत के बाद परिवारजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया था। जिला प्रशासन की गठित टीम ने अस्पताल को क्लीन चिट दे दी, जिसके बाद सपा कार्यकर्ताओं ने पंडित जी से मुलाकात कर लड़ाई लड़ने का आश्वासन दिया। सपा के MLC आशुतोष सिन्हा की अगुवाई में तमाम पदाधिकारियों ने मुलाकात की। कोरोना संकट के बीच कुछ अस्पताल इलाज के नाम पर मरीजों से मनमानी उगाही कर रहे हैं। बस्ती में ऐसा ही एक अस्पताल है जिसके खिलाफ शिकायत मिल रही है। आज जिला अस्पताल की टीम ने सदर कोतवाली इलाके में चल रहे शिवा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में छापा मारकर अस्पताल को सील कर दिया। दरअसल जिला प्रशासन को कई दिनों से शिकायत मिल रही थी अस्पताल में डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी में गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को भर्ती करके उनसे इलाज के नाम पर मोटी फीस वसूली जा रही थी और मरीजों से ICU की एक दिन की 18,000 रुपए तक लिए जा रहे थे। पश्चिमी यूपी का शहर शामली, यहाँ भी कोरोना के खौफ की कहानी लोगों के जहन में ऐसा घर किए हुए है कि गलियां सुनसान हैं, मन परेशान है और दुनिया से जाने वाले अपनों का कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है। गलियां सुनसान हैं, आंखों में अपनों के आने का कभी ना खत्म होने वाला इंतजार है। कोरोना काल में ऐसी ही तस्वीरें शहर शहर गांव गांव से सामने आई है और ये दर्द भरी तस्वीर शामली के सिलावर गांव की है। यहां भी कोरोना के प्रहार और सिस्टम की मार से इन परिवारों ने किसी ना किसी अपने को खो दिया है। मेरे परिवार में मेरा बड़ा भाई सुरेंद्र सिंह जो L2 कोविड में एडमिट थे, 6 तारीख में उनको एडमिट कराया गया था और 20 तारीख में एक्सपायर हो गया। अच्छा, गांव कौन से आपका, कौन सा गांव है और कितनी मौत इसमें हो चुकी है? हमारा गांव सिलावर है, इसमें कोविड से
60 मौतें हो चुकी है यहाँ पे। इन्हें पहले बुखार आया, पहले वैक्सीन लगवाई थी 15 दिन वैक्सीन के, 10 दिन बाद में फिर बुखार आने लगा उन्हें। अच्छा। बुखार आने में फिर सांस में दिक्कत बनी, सांस में दिक्कत बढ़ने पर फिर हमने डॉक्टर को दिखाओ, कहने तुम सांस ले जाओ, ज़्यादा परेशानी नहीं, ऑक्सीजन चाह गई, ऑक्सीजन लगवाई, 3 दिन सामली रखी, वहाँ से फिर उन्होंने मेरा ट्रेवल कर दिया। ये तकलीफ किसी एक की नहीं है, बल्कि यहाँ तो जिस घर में नजर डालो वहां से पथराई आंखें ही बाहर झांकती दिखाई देंगी कि शायद कहीं से अब उनके परिवार का खोया हुआ सदस्य वापस आ जाए। किसी के घर से बुजुर्ग का साया उठ गया, किसी के घर में जवान मौत हो गई। करीब 2 महीने में इस गांव में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद यहाँ या तो सन्नाटा पसरा हुआ है या फिर लोगों के दिलों में जानलेवा वायरस का खौफ समाया है। मौतों का आंकड़ा जी लगभग 50 के आसपास है, ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, और बहुत ही खौफ का माहौल है। और ऐसा कभी शायद बुजुर्ग हुए हैं जो वो भी नहीं कहते कि ऐसा समय आया, इतनी मौतें लगातार हुई 2 महीनों में, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और बहुत ही ज़्यादा लोग मतलब डर में है, भय में है। मैं तो लगभग शायद 70-80% कोविड से ही होंगे ये लोग, क्योंकि कोई लोग हॉस्पिटल तक नहीं पहुंचे, शाम को बुखार हुआ, पता लगा दवाई ली, सुबह चले गए, क्योंकि लास्ट में उन्हें पता लगा। ऐसा नहीं है कि सिलावर गांव में सिर्फ सभी मौतें कोरोना से ही हुई हैं, कुछ और बीमारियों ने भी यहां लोगों की जान लेने का काम किया है। लगातार गांव में सैनिटाइजेशन हो रहा है, टेस्टिंग भी की जा रही है, लेकिन फिर भी मौत का खौफ ऐसा है कि लोग सिर्फ ऊपर वाले का नाम जप कर ही अपना टाइम काट रहे हैं। शामली से पंकज प्रजापति के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कोरोना के मामलों को देखते हुए एहतियात के तौर पर एएमयू के अलग अलग संस्थानों के दफ्तर 30 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। एएमयू रजिस्ट्रार अब्दुल हामिद की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि चिकित्सा सेवाएं, स्वच्छता, पानी और बिजली, आवासीय हाल सेवाएं, केंद्रीय ऑटोमोबाइल कार्यशाला, टेलीफोन विभाग, प्रोक्टर कार्यालय, भूमि और उद्यान विभाग और कंप्यूटर सेंटर जैसी जरूरी सेवाएं पहले की तरह ही जारी रहेंगी। और अयोध्या की सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या जमीन का टुकड़ा अपनों की जान से ज्यादा कीमती हो गया। जल्लाद भांजे ने मामा मामी और उनके 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। हालांकि फरार हत्यारे को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। ये पवन है, ये जल्लाद है, वो जल्लाद जिसने अपने मामा राकेश, मामी ज्योति और उनके 3 बच्चों की धारदार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन किसी भी अपराध की उम्र बहुत लंबी नहीं होती, ठीक इसी तरह कोई भी अपराधी ज्यादा दिनों तक कानून से भाग नहीं सकता। इसके साथ भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने 5 लोगों की निर्मम हत्या के आरोपी पवन को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि थाना इनायत नगर के कुचेरा बाजार के पीछे जंगल में पुलिस और बदमाश पवन की मुठभेड़ हुई, जिसमें पवन के दोनों पैरों में गोली लग गई और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। एक अभियुक्त जो फरार चल रहा था और इस प्रकरण की गंभीरता को दृष्टिगत रखते उस पर तत्काल 25,000 रुपए का इनाम उसकी गिरफ्तारी पर रखा गया था, उस अभियुक्त के साथ आज पुलिस टीम की मुठभेड़ दोपहर में हुई है। इस तरह इस घटना में सभी अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं, आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। अयोध्या नगरी से 27 किलोमीटर दूर मौजूद इनायत नगर थाना क्षेत्र का ये घर एक बहुत ही निर्मम खूनी वारदात का गवाह बना। इस घर के सन्नाटे में उसी दरिंदगी की चीखें समाई हुई हैं जो यहाँ रहने वाले दंपति और 3 बच्चों के साथ की गई। यहाँ अंधेरे में एक खूनी खेल को अंजाम दिया गया। इस घर के अंदर खून के ये धब्बे उस हैवानियत की गवाही दे रहे हैं। आपको यहाँ हुई वारदात के बारे में बताते हैं। दरअसल खानपुर मजरे बरिया निसारू गांव में रात करीब 9 बजे वारदात को अंजाम दिया गया। भांजे ने अपने मामा मामी और उनके 3 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी पवन ने जमीन के विवाद में
मामा राकेश और मामी ज्योति को मौत के घाट उतार दिया। 8 साल की अंशिका, 6 साल के शक्ति और 4 साल के ध्रुव की भी हत्या कर दी। 6 बीघा जमीन को लेकर ये विवाद चल रहा था। भांजे के दिमाग में अपने मामा को लेकर ऐसा खूनी फितूर घर किया हुआ था कि उसने पूरे परिवार की जान तो ली, लेकिन साथ ही ऐसा भी बताया जा रहा है कि मामी की हत्या कर उसका एक हाथ थक काट दिया। वारदात के बाद किस तरह का सूरत हाल था, ये इलाके के स्थानीय निवासी की जुबानी सुनिए। जमीन के विवाद में रोज थोड़ा थोड़ा टुनपुन होता, इसी किसी को स्थिति नहीं थी कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कल की रात में जो है 8 से 9 के बीच में ये वारदात हुआ। उसके बाद में गांव वालों को 9:30 बजे ये सूचना मिली। जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो मौके पर देखा कि राकेश की लाश उसके दरवाजे पर, उसकी बीवी की लाश अगले वो बाथरूम के पास में पड़ी थी। पुलिस को शक था कि इस वारदात में पवन के पिता, उसकी माँ और पत्नी ने भी उसका साथ दिया है, जिसके बाद पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर के बाद केस दर्ज कर इन सभी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि पवन की तलाश में 5 टीमों को लगा दिया गया था और आखिरकार पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और ये कलयुगी भांजा पुलिस के हत्थे चढ़ गया। अयोध्या से ऋषि गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। हरिद्वार स्थित गुरुकुल कामडी विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक ने शोध करने के बाद दावा किया है कि कुंभ मेला कोरोना संक्रमण को फैलाने का सबसे बड़ा प्रमुख कारण रहा है। सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कुंभ मेले में गंगा स्नान से कोरोना संक्रमण अत्यधिक तेजी के साथ फैला। इस वजह से कुंभ में आए कई साधु अपनी जान गंवा बैठे और कई अन्य लोग कोरोना से बुरी तरह प्रभावित हुए। प्रोफेसर दुबे ने दावा किया है कि शोध के दौरान ये पाया गया है कि कोरोना वायरस गंगा के पानी में भी लंबे समय तक जीवित रह सकता है और अगर कोई संक्रमित व्यक्ति गंगा में स्नान करे तो उसके बगल में स्नान कर रहे व्यक्ति को भी संक्रमण होने का खतरा बना रहता है। इतना ही नहीं, प्रोफेसर दुबे ने कहा कि महाकुंभ के दौरान भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण का प्रसाद लेकर अलग अलग जगह गए हैं, इससे संक्रमण तेजी से फैला। हालांकि एबीपी गंगा इन दावों का समर्थन नहीं करता, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते। लोगों ने वहाँ नहाया और वहाँ पर मुंह भी धुआ होगा, नाक भी साफ किया होगा, तो कुल्ला भी किए होंगे, तो जो भी संक्रमित संक्रमण के बाद वायरस आया और पानी में गया, तो जिन लोगों को संक्रमण नहीं हुआ उन्होंने पानी पिया, पानी को लेकर के मुंह में डाला और स्नान किया, उनमें भी इन्होंने हेल्प किया। कुछ लोग मानते हैं कि कोरोना वायरस केवल नाक से फैलता है और मुंह में डालने से नहीं, मेरा ऐसा नहीं मान, मेरा मानना है कि जो कोरोना वायरस है जब भी पेट में जाएगा, स्टमक में आमाशय का जो पीएच लगभग 2 होता है, यह वायरस 2 पीएच पर भी जिंदा रह सकता है, इस पर भी रिसर्च पेपर है, 2 पीएच पे जिंदा रहेगा और आगे जाकर के आंतों में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल अल्सर भी करता है।